बनने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली। वहीं बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज वो जीत का जश्न मनाएंगे। की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें अलायंस के साथ बातचीत कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं, जिसकी वजह से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लोगों ने उन पर भरोसा किया है और अब लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है। अब की बार जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी का प्रदर्शन सुधरा, घाटी में जीते अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला होंगे सीएम, कांग्रेस की सीटें न्यूनतम। ये जश्न जीत का है, ये आतिशबाजी 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत की है। क्योंकि घाटी में इंडी गठबंधन पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस ने 90 में से 48 सीटें जीती, हालांकि इनमें कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत पाई और सीपीआईएम को 1, बाकी 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। तो वहीं बीजेपी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के जीत के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जमा अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि अब घाटी के लोगों के लिए बहुत सारे काम करने हैं। लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आजादी से लिया और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है, लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। काम बहुत करने हैं, मुश्किलात दूर करने हैं, यहाँ पे जो बेगारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देख रहा है, जो ड्रग मैनेस है, जो इस रास्ते खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीट बड़गाम और गांधरबल पर चुनाव लड़ा और दोनों पर पीडीपी कैंडिडेट को हराया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत का जश्न मनाएगी, जिसका ऐलान होने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया। फिर 1 या 2 दिन बाद गठबंधन नेताओं की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें अलायंस के साथ बातचीत कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।